हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरेश ठाकुर एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल कुछ भी। आज मैं आपको जो है एक बहुत खूबसूरत जगह दिखाने जा रहा हूँ, जिसका जो है शिमला से लगभग 65 किलोमीटर है। नारकंडा एक जगह है और नारकंडा से हाटू पीक जो है, हाटू पीक लगभग वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर होगा। तो आज मैं आपको वहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये है आज हम आपको यहाँ हाटू पीक मंदिर लाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हाटू पीक का, ये हाटू माता का मंदिर है और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे इसे हाटू माता का मंदिर कहते हैं और ये देखिए आप, ये इसका बहुत ही खूबसूरत विशाल इसका गेट है और ये सामने जो है आप मंदिर देख पा रहे हैं गेट के बीचों बीच। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, ये पूरा वुडन का बना है। इसके अंदर जो मेन मंदिर है वो लकड़ी और पत्थर से बना है, बाहर से पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो लकड़ी का ही है। देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, ये फ्रंट बहुत खूबसूरत जगह है। और काफी लोग जो है यहाँ दर्शन के लिए आएंगे। यहाँ के जो ये लोकल लोग उनकी ये माता है, इसे हाटू माता के नाम से जाना जाता है। ये देखिए मैं थोड़ा नज़दीक से आपको इस लकड़ी की शैली को दिखाता हूँ। ये देखिए मैं आपको अब थोड़ा दूर से जो है इस मंदिर का व्यू दिखाता हूँ। ये मंदिर जो है हाटू माता का मंदिर, अप्रॉक्स 11,000 की हाइट, फिट की हाइट पे ये मंदिर है। बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से आपको पैन करके दिखाता हूँ और यहाँ से आप व्यू देखिए। ये सामने जो है आपको नारकंडा वाला इलाका दिख रहा है और थोड़ा सा हम इधर को शिफ्ट करेंगे तो ये सामने वो शिलारू, और ये देखिए यहाँ से मैं आपको पैन कर रहा हूँ और ये मंदिर का देखिए, दूर से हमने मंदिर का एक आपको व्यू दिखाया है। बहुत अच्छी जगह है ये। और ये देखिए यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ नीचे वाला, बहुत अच्छा व्यू। और ये सामने जो है आपको जो हेल नट्स दिख रहे हैं, ये कोटगढ़ का इलाका है और कोटगढ़ इस बात के लिए बहुत फेमस है कि सबसे पहले जो हिमाचल में सेब उगाए गए थे वो इसी इलाके में उगाए गए थे, जो सामने आप देख रहे हैं हेल नट्स वाला एरिया। स्टोक्स, नित्यानंद स्टोक्स जी ने जो है यहाँ सबसे पहले सेब की पैदावार शुरू की थी। तो हिमाचल में जो है सबसे पहले जो सेब है इसी एरिया में उगाए गए थे, ये कोटगढ़ जगह है। ये देखिए एक बार मैं आपको यहाँ से दोबारा एक पैन करके एक शॉट और दिखाता हूँ। ये सामने देखिए यहाँ रेस्ट हाउस है ये छोटा सा, और यहाँ पे ऊपर रहने के लिए अभी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है तो आपको नारकंडा ही रुकना पड़ेगा। हाटू पीक में अभी आपको कोई रहने की ख़ास सुविधा नहीं है तो आप नारकंडा ही रुकें। और नारकंडा से हाटू पीक जो है लगभग 7-8 किलोमीटर है और यहाँ आप शाम को खैर रह भी नहीं सकते क्योंकि काफ़ी हाइट है, ठंडा भी है यहाँ पे। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ से अब थोड़ा आगे की तरफ ले जाता हूँ, बहुत अच्छा व्यू है। आप यहाँ पे भी आके अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, बिकॉज ऐसी जगहें जो आपको हिमाचल में ही मिलेंगी और हिल एरिया में, जहाँ जहाँ भी हिल एरियाज हैं। लेकिन यहाँ का व्यू जो है बहुत प्यारा व्यू है, बहुत मनमोहक व्यू है। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि इस तरह की ग्रीन जो इलाका है ये हमारे हिमाचल की खास खासियत है। ये देखिए बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, हिल टॉप है यहाँ पे। आप सबसे हाइट पे हैं, आप बिल्कुल बादलों के पैरेलल में खड़े हैं।
बादल और आप जो है एकदम सामने आमने सामने खड़े हैं। ये देखिए बिल्कुल आपकी हाइट के सामने जो है बादल खड़े हैं। ये देखिए यहाँ से जंगल का बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू है और बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे भी जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप जब हिल एरियाज़ में आते हैं तो आपको इस तरह की ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, बिकॉज़ यहाँ पे इतने पेड़ हैं, इतनी ठंडी हवा है, शुद्ध वातावरण है, कोई पॉल्यूशन नहीं है सिटी को छोड़कर। सिटी में मैं मान सकता हूँ, सिटी में तो काफ़ी पॉल्यूशन होता है, हर एक जगह ही होता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है, शुद्ध हवा है, एकदम ताज़ी हवा। और ये देखिए कितने खूबसूरत जो है यहाँ से पेड़ों के बीच में आप व्यू देख पा रहे हैं। ये देखिए बहुत प्यारी जगह है, आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। यहाँ पे सिर्फ आप जो है बरसात को छोड़कर कभी भी आ सकते हो, और अक्टूबर के बाद जो है अक्टूबर एंड नवंबर में नहीं, नवंबर में यहाँ काफ़ी ठंड भी हो जाती है और यहाँ स्नो गिरने का भी खतरा रहता है। वो देखिए लोग जो है काफ़ी दूर से जो है उस चट्टान के ऊपर चढ़ के अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो काफ़ी एडवेंचर है ये लाइफ, पर थोड़ा सा संभल के ये चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज इस पर खतरा भी हो सकता है। काफ़ी हाइट वाली जगह है, आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक यहाँ पर आना है। और कोई ऐसा जैसे अब ये लोग उस चट्टान पे चढ़े हैं, ठीक है, लेकिन बिकॉज यहाँ से रिस्की है ये चीज़, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से आपको जो है एक यहाँ साथ में ही जौ बाग जगह है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और ये जंगल के बीच से जो है सीधा सा ट्रैक है, इसमें आपको हम जौ बाग की तरफ ले जा रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, और ये कितना अच्छा यहाँ से एक गिम्बल से एक शॉट बन रहा है। ये देखिए खूबसूरत जगह है ये, और सीधा सा रास्ता है, और ये एक छोटा सा रिज है। लोग यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे देखिए। और लोग जो है इस नेचुरल व्यू का खूब आनंद उठा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू होता है, आप देख रहे हैं। ये हम जौ बाग की तरफ जा रहे हैं, और उसके रास्ते में जो है ये व्यू आपको देखने को मिल रहा है। और ये देखिए मैं यहाँ से आपको नारकंडा एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सामने जो ये नारकंडा दिख रहा है, जहाँ पर मैंने कैमरे को स्टेबल कर दिया है, नारकंडा जगह है। थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ से, ये देखिए ये नारकंडा है। और अब हम जौ बाग की तरफ आगे मूव करते हुए, ये देखिए हम जौ बाग फाइनली पहुँच गए हैं, और ये बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है। बहुत खूबसूरत जगह है, आप इन जगहों को मिस मत करिएगा, और जब भी शिमला आए तो ये नारकंडा 65 किलोमीटर शिमला से, और वहाँ से 7-8 किलोमीटर हाटू पीक, और ये हाटू पीक से लगभग 1 किलोमीटर के करीब जो है ये जौ बाग। ऐसी खूबसूरत जगह है, ऐसा शुद्ध वातावरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए एक बार मैं पैन करके आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं और अपना खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज कमेंट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जिससे हमें फीडबैक पता लगता है कि ये वीडियो कैसा बना, इसमें कोई कमी तो नहीं रही। अगर कोई कमी रही होगी तो हम नेक्स्ट टाइम इसे पूरा करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।